हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंड सपोर्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप कोई किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर साइंस का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन या 5 से 7 क्वेश्चन साइंस के हर एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अगर उसके अंदर जीके इंक्लूडिंग है तो उसके जीके के अंदर ही साइंस जीके उसके अंदर इंक्लूडिंग रहता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स के अंदर आपके जो साइंस के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के अंदर आए हैं वो क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो के अंदर थोड़े से डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और आपको लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट उत्तर आपको बताना है तो अगले वीडियो के अंदर आपका नाम लिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना कुछ देरी किए हुए कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। और इस वीडियो को आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि मैं इंपॉर्टेंट और इसी प्रकार से वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं आपके वो आपको पहले करवा दूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है, मतलब हमें थकान होती है तो हमारे मांसपेशियों में कौन सा अम्ल है वह एकत्रित हो जाता है। तो लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने से आपके मांसपेशियों में थकान उत्पन्न हो जाती है। फिर रहता है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, लगभग जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें टार्ट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन आपका ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। जो अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट, और कैंसर का भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अध्ययन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है साइंस की, आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अध्ययन होते हैं साइंस के अंदर, उनका क्या नाम होता है, क्या कहलाते हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। दांत में मुख्य रूप से किस, दांत है जो मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो डेंटाइन्स के मुख्य रूप से दांत बने होते हैं। किस धातु की आकृति पैर, सॉरी सॉरी, किस जंतु की आकृति जो पैर की चप्पल होती है उसके समान होती है। तो ये पैरामेशियम होता है, जो एक कोशी की जीव है पैरामेशियम, उसकी आकृति होती है। फिर अगला है, कैंचुए में कितनी आँखें होती है। तो कैंचुए में कोई भी आँख नहीं होती, एक भी आँख नहीं होती कैंचुए की, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। गाजर में किस विटामिन पाया जाता है, गाजर के अंदर आपको पता है विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। आप विटामिन ए की कमी से बेरी बेरी रोग उत्पन्न, सॉरी रतौंधी रोग उत्पन्न होता है, बी से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। तो विटामिन के ऊपर इम्पोर्टेंट वीडियो बना रखा है तो वो भी आप जाके देख सकते हो। निम्न में से किस पदार्थ में विटामिन नहीं पाया जाता, तो चावल के अंदर विटामिन नहीं पाया जाता। चावल का सेवन हमेशा जो खाद्य पदार्थ के रूप में कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन नहीं होता जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट और एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन वो इसमें नहीं पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का जो भार है वो लगभग कितना होता है। तो 1350 ग्राम के अंदर है ये, 1350 ग्राम भार होता है मस्तिष्क, 1350 या 1750 ग्राम होता है। रक्त में क्या पाई जाती है, तो कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा, मतलब Fe लोहा पाया जाता है, आयरन। फिर आता है किण्वन का उदाहरण दीजिए, तो किण्वन का दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये किण्वन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो पनीर है वो जो आहार है जो मानव ऊतकों की वृद्धि के लिए वो पोषक तत्व उत्पन्न करता है। निम्न में से कौन से एक उड़ने वाले छिपकली हैं, तो डेकरा हैं, जो आपकी उड़ने जो डेकरा हैं वो उड़ती उड़ने वाली छिपकली हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। तो घोंसला बनाने वाला किंग कोबरा है, वो जो है घोंसला बनाता है, वो एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बना के रहता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी मछली है बेहल चार्क मछली है, जो सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो दालें का सेवन करने से जो दालें होती हैं मसूर की चना की, उससे सेवन करने से हमें क्या मिलता है, तो हमें आपको प्रोटीन मिलता है। ये सबको पता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है देसी घी में सुगंध क्यों आती है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है, तो डाई एसिटिल के कारण सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो इंद्रधनुष में हम जो विक्षेपण मतलब जो सबसे ज़्यादा बिखरता है और दिखता है, ठीक है, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। मैंने आविष्कार के ऊपर इंपॉर्टेंट एक वीडियो बना रखा है साइंस की प्ले लिस्ट में, आपको मिल जाएगा आविष्कार कौन कौन से आविष्कार किसने किए, तो उसको जाके आप अपना देख सकते हैं। ठीक है,
तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, मतलब आंतरिक परावर्तन के कारण ये हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मिथेन। ये तीनों जो क्वेश्चन पिछले गए हैं 20, 21, 22, ये इंपॉर्टेंट है। गोबर गैस में मिथेन गैस पाई जाती, मिथेन पाई जाती मुख्य रूप से। हीरा जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, और टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेड ने किया है। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सी? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु है वो एल्यूमिनियम पाई जाती है। ठीक है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने? तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोती बने होते हैं। मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तंत्र पाया जाता है? तो मानव शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में है जो आपका ऑक्सीजन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो किस प्रकार के ऊतक वो एपिथीलियम ऊतक हैं जो शरीर में सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपने पालतू बनाया? तो किस जंतु को? कुत्ता मनुष्य का सबसे पहला पालतू जंतु बना था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था? तो डेवी ने सबसे पहले आपस में दो बर्फ के टुकड़ों को घिसाया, जिसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन उत्पन्न होते हैं, इस कारण से वो बर्फ है जो पिघल जाता है। सबसे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि कौन सी कौन उत्पन्न करता? तो बाघ है वो सबसे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि उत्पन्न करता है। किस ध्वनि की जब ध्वनि तरंग चलती है तो साथ में क्या ले जाती है? तो एनर्जी होती है, इसीलिए तो वो सुनाई देती है। तो ध्वनि जब चलती है तो उसके साथ एनर्जी भी चलती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सूर्य ग्रहण के समय कौन सा सूर्य का भाग दिखाई देता है? तो किरीट भाग होता है वो दिखाई देता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सूर्य की किरण के कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। हमें सिर्फ ये वाइट टाइप दिखाई देता है, पर 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर टंकन मशीन का आविष्कार किसने किया? तो सोल्स ने टंकन मशीन का आविष्कार किया। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जंग के धब्बे वहाँ से दूर हो जाते हैं। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग है वो कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा एंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैग्नीफेरा एंडिका आम का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम भी कह सकते हैं। ठीक है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला किचोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो किचोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो है आपके जड़ों से। ठीक है। फिर आपकी जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है वो आंवला से, हमें विटामिन सी अच्छा मिलता है। और आपको इस आज के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आप सुन लीजिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जिसका भी राइट आंसर होगा उसका कल के वीडियो के अंदर उनका आपका नाम लिया जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और इन्हीं में से एग्जाम्स में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, इन्हीं सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के अंदर मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।